जिंदाबाद जिंदाबाद। गैया मामा हाय 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 हाय। पत्ता खाऊ बाय 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 बाय। फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोग। हाय 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 हाय। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे हाय 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 हाय। बच्चर दास प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। बच्चर दास प्रशासन होश में आओ होश में आओ। ये देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल के माध्यम से एक व्यक्ति की बिटिया जो कि यहाँ पे जो है बीमार थी, उसका जो है यहाँ पे सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने जो है उनका ट्रीटमेंट किया। उस रिपोर्ट में जो है टाइफाइड पॉजिटिव आया, वो भी टाइफाइड जो है पॉजिटिव हाई परसेंटेज में बताया गया। लेकिन उसके बाद उनको थोड़ा सा अंदेशा हुआ उन व्यक्ति को कि इसकी जो रिपोर्ट है हमारी बिटिया में जो लक्षण है वो है नहीं, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो है यहाँ पे जो है सिविल अस्पताल की जो बाहर लेबोरेटरी है वहाँ पे टेस्ट करवाए। तो उस टेस्ट में जो है नेगेटिव आए। हालांकि एक ही रिपोर्ट में एक ही लैब में टेस्ट नहीं करवाए गए, वो दो लैबों में करवाने के बाद वो जो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। उस इस पर भी जो है उन्होंने तुरंत मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि इस तरह से ये बात है। जब हमने कल कैरी की खबर तो उसके बाद बीएमओ साहब से, तो बीएमओ साहब का जो स्पष्टीकरण था इस पर जो स्पष्टीकरण बिल्कुल ही उनकी अहमियत होती है उस हिसाब से उन्होंने वो स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर हमारा सवाल यही है बीएमओ साहब से कि अगर ये रिपोर्ट जो है अगर आपकी रिपोर्ट सही है, अगर बाहर की रिपोर्ट जो गलत है तो उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? अगर बाहर की रिपोर्ट सही है, अगर आपकी रिपोर्ट गलत है तो आपने अपने जो अधिकारी हैं जो आपके जो कर्मचारी उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? क्योंकि ये स्वास्थ्य अस्पताल में जब कोई भी व्यक्ति जो आता है तो वो अपनी बीमारी को सही करवाने के लिए, ना कि बीमार होने के लिए घर के लिए बीमारी लेके जाता है। तो इस तरह से सिविल अस्पताल को जो दर्जा दिया है कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी ये जो दर्जा है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। अगर सिविल अस्पताल का दर्जा दिया गया है तो उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ पे ये है बड़सर की जनता का, जो कि पिछले लगभग कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पे जो है यहाँ के अगर भाजपा नेता की बात करें, कांग्रेस के नेता की बात करें, तो उन्होंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि अगर उनका अगर इस तरफ ध्यान होता तो ये जो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं शायद नहीं होते। क्योंकि अगर वो इतने समय में सत्ता में रहे तो उस तरह की जो सुविधाएं हैं तो वो शायद ही इन असुविधाओं को लोगों का सामना करना पड़ता। बहरहाल आज आम आदमी पार्टी में सिविल अस्पताल में सिविल अस्पताल के बाहर जो है यहाँ गया है, तो अभी बीएमओ साहब यहाँ पे बुलाया है बाहर इन लोगों को। बीएमओ साहब को हमारे संदेश दिया जाए कि जनता यहाँ पे आम आदमी पार्टी यहाँ पे इस बात पे अड़िग है कि जो बीएमओ साहब है वो जनता के बीच में आकर जो क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की स्वास्थ्य के ऊपर सवाल नहीं है, ये यहाँ पे हर व्यक्ति के ऊपर सवाल है। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे आस और उम्मीद लेके आता है, जो यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाओं को रिपोर्ट करवाने या टेस्ट कराने आता है, तो उसके बाद जो रिपोर्ट जो यहाँ पे आके जो है सही आती है, बाहर जाके वो नेगेटिव आती है। ऐसा क्यों? महिला शक्ति भी यहाँ पे बीच में है, ये भी धरना प्रदर्शन हुई है। एक चाय दो समोसा, एक चाय दो समोसा, एक चाय दो समोसा, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होगी देनी होगी देनी होगी। देखें यहाँ पर जो जहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करूँ या प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो उनका कहना है कि ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं प्रदेश में बहुत ही बेहतर है। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं आपकी बेहतर है तो इस तरह से ये इन सिविल अस्पताल को जो आपको दर्जा दिया जा रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ आपको स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो धरातल पर जो सिविल अस्पताल का दर्जा दे दिया, लेकिन जो धरातल पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं भी नहीं दिख रही है यहाँ पे मिलती हुई। अगर यहाँ पे बड़सर की बात की जाए तो यहाँ पे स्टाफ की नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनों की बात की जाए तो यहाँ पे वो तक व्यवस्थाएं नहीं है। तो सिविल अस्पताल का जो दर्जा दिया गया वो किस आधार पर दिया गया? थोड़ा सा गहनता से विचार करें कि जिन अस्पतालों को अगर आप सिविल अस्पताल का दर्जा दे रहे हैं तो उन सिविल अस्पतालों का दर्जा किस बेस पे दिया जा रहा है। क्योंकि वहां पर अगर सिविल अस्पताल का दर्जा देने से पहले आप वहां पे स्टाफ की पूरी व्यवस्था की जाए, जहां पर जो मशीनें होनी चाहिए उनकी पूरी व्यवस्था की जाए, उसके बाद अगर आप आगे प्रोसेस करें तो शायद ये जो व्यवस्थाएं इस तरह से ना हो।
जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा मुद्दा, क्योंकि स्वास्थ्य से इस तरह से जो खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ आम जनता के साथ जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे से जो टैक्स जाता है वो उसी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो मुख्य सुविधा चाहिए उसको लिए चाहिए, लेकिन वो सुविधाएं जो कहीं भी घर आकर वो नहीं दिख रही है। तो आप देखें यहाँ पे जो है बोलते हैं, बोलिए अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी हमारी बाइक के बीच इस व्यवस्था पे अड़ी हुई है कि यहाँ पर जो है डीएमओ साहब जनता के बीच में आए, अपनी बात को यहाँ पे तोड़-फोड़ तरीके से रखे ताकि साथ ना हो। आगे हैं जी सर, काइंडली पीसफुली है ना जी, बिल्कुल पीसफुली है। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, जल्दी इंटरव्यू चला हुआ है बीएमओ साहब, आपका धन्यवाद, आप बाहर आए पब्लिक की आवाज सुनने के लिए। जैसा कि आपको विदित हो, कल भी आपके सामने इस मुद्दे को रखा गया कि बड़सर की जनता जागरूक है और जागरूक हो गई है। बड़सर की जनता के साथ अब ये नाटक नहीं चलेगा। बड़सर की जनता के साथ जिस तरह से मैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, फिर आप हमारा अपने जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो आपके पास जब कल एक हमारे व्यक्ति आए अपनी बेटिया की रिपोर्ट लेकर, जब आपके पास रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बाहर वही रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसका जांच आप लोग करने से मना कर दिया आपने। आपने कहा कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। पहले तो आप इसका जवाब दें कि रिपोर्ट्स में फर्क आया क्यों? अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो बाहर की रिपोर्ट गलत क्यों है, वो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर आपकी रिपोर्ट गलत है बाहर की और बाहर की सही है तो आपकी गलत है, आप जिम्मेदार हैं। तो आप पहले इसका जवाब दें प्लीज। देखो ये मार्कर होते हैं, ब्लड मार्कर्स होते हैं और ये आ सकते हैं, ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हमें ब्लड कल्चर करवानी पड़ेगी, तभी हम 100% कह सकते हैं कि ये चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर जो इलाज करता है वो उसके लक्षण हैं जो बीमारी के, उनको देख के इलाज करता है और वो साथ में टेस्ट करवाता है। उन्होंने टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर साहब ने, सब कुछ मैंने देखा है और वो टेस्ट यहाँ हॉस्पिटल में पॉजिटिव आ रहा है। तो लक्षण है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, 3 दिन के बाद वही टेस्ट जो है बाहर से नेगेटिव आता है। जैसे मैंने कल भी कितनी देर 2.5 घंटे समझाया ये चीज़, ठीक है ना, वो बाहर से नेगेटिव आ रहा है, आ सकता है। मैंने बोला कि आ सकता है, वो चीज़ मार्कर है, ये ब्लड मार्कर है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इलाज अगर गलत हो रहा है पेशेंट का, उसके लिए आप कह सकते हैं, या इलाज नहीं हो रहा है वो बात कर सकते हैं, ये तो आ सकता है। ये चीज़ कोई भी डॉक्टर है, आपको लगता है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं। मेरी और उनकी बात में अगर फर्क हो गया ओपिनियन में, क्योंकि जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखी है मैं सहमत हूँ उससे पूरी तरह से। आपको लगता है कि मेरी और उन जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर साहब हैं मेडिकल कॉलेज में, उनमें कोई ओपिनियन में फ़र्क है, आप रिटर्न कंप्लेंट कीजिए और उस पर इंक्वायरी होगी, ठीक है ना। नहीं, आपने रिटर्न कंप्लेंट की, देखे आपने इंक्वायरी करने के लिए मना कर दिया, आपने कहा हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। लेकिन जब वही रिपोर्ट हमने जाकर बाहर में जो जिन्होंने की थी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है सर, वो भी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है कि अगर कोई भी टाइफाइड की रिपोर्ट अगर कहीं पॉजिटिव आ जाए 3 दिन के अंदर किसी जिस रेशो में वो थी उस रेशो में किसी कीमत पर भी वो नेगेटिव नहीं आ सकती थी, लेकिन वो नेगेटिव आई और 2 जगह से नेगेटिव आई। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि वहां से वो नेगेटिव क्यों आई, अगर वो गलत बनाई उन्होंने तो फिर आप उस पर जांच करें, और अगर आपकी गलत है तो आप उस पर जांच करें। यही बात मैंने कहा है, आप किसी की बात सुन के मत चलिए, इंटरनेट पर पढ़ के मत चलिए चीज़ों को, आप जो है एक्सपर्ट से बात कीजिएगा, ठीक है ना। और आपको लगता है कि हाँ या हम सेटिस्फाई नहीं है या बीएमओ साहब गलत कह रहे हैं, जिसने डॉक्टर ने इलाज किया है वो गलत किया है उसने, फिर आप जो है रिटर्न में करिए। किसने पता किया? मैं कल भी मैंने 2.5 घंटे थोड़ा सा बोलूँ, कल 2.5 घंटे मैंने यही चीज़ सवाल पे जाए नहीं दे सर, प्लीज़ एक मिनट कल यही बात को समझाने के लिए मैंने 2.5 घंटे लगा दिए, आपको बिठाया प्यार से, चाय वगैरह पिलाई मैंने, पानी पिलाया आपको कि आप खुल के बात करिए। बल्कि मैं तो खुश था कि जो पेशेंट हैं वो कम से कम अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे फीडबैक मिलेगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर मैं बात ही नहीं करूँगा तो पता कैसे लगेगा। तो कल 2.5 घंटे 3 घंटे मैंने लगाए इसी चीज़ को समझाने में, लेकिन अब आप समझना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा। टाइफाइड के लक्षण जो है कितने समय तक रहते हैं, कितने समय बाद दोबारा फिर टेस्ट कराए? जैसे एंटीबायोटिक देंगे ना वो लक्षण जाने शुरू हो जाते हैं,
ठीक है ना। और बच्ची जो है कल मैंने देखी है इनके, ये बेटियां हैं इनकी, बल्कि मैंने उनको बोला है कि बेटा क्योंकि देखो बाकी की चीज़ें अपनी जगह हैं लेकिन बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, मैंने उनको बोला कि बेटा आप जो है अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो हॉस्पिटल में जरूर आना मेरे कहने से, ठीक है ना। तो वो लक्षण तो एकदम से जाने शुरू हो जाते हैं, बच्ची ठीक थी कल मैंने देखा। बाकी तो कोई बात नहीं लेकिन जो गलत ट्रीटमेंट हुआ है, टाइफाइड था ही नहीं, नहीं सर टाइफाइड था ही नहीं उसको, अगर टाइफाइड होता तो उसके लक्षण तीन दिन, या मैंने एक्सपर्ट से भी बात की, मेडिकल एक्सपर्ट से बात की हुई है, तो वो लक्षण कम से कम 15 दिन। आप उनको बोलो एक्सपर्ट को भी रिटर्न में दे, क्योंकि हर चीज रिटर्न में दे रहा हूँ ना, उनको बोलो कि रिटर्न में दें कि हाँ टाइफाइड था ही नहीं सर, कहीं ना कहीं गलती है, लैब टेक्नीशियन की गलती है, कहीं ना कहीं गलती है। एक मिनट देखो आप सुनिए सुनाई बातों पर मत जाइए, ठीक है ना। आप समझदार लोग हैं, कोई ऐसा तो है नहीं है कि पता नहीं है चीज़ों का, सुनिए सुनाई बातों पर मत जाइए, आप एक्सपर्ट की राय लीजिए और राय भी उनको कहना कि हमें लिखित रूप में दे, ठीक है ना, फिर मैं बात करूँगा। और आपको लगता है कि वो कह रहे हैं, आप रिटर्न में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। किसने मना किया है बीएमओ साहब? देखिए ये मुद्दा केवल एक नहीं है, इस मुद्दे के अलावा साथ में ये भी है कि आप सिविल अस्पताल चला रहे हैं, आपके पास अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ की जनता 4-4 महीने वेट कर रही है अल्ट्रासाउंड के लिए, यहाँ के लोग 1,000 पे खर्च करके हमीरपुर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को दवाइयाँ प्रॉपर नहीं मिलती हैं, यहाँ के लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं, यहाँ आते हैं तो उनको रेफर कर दिया जाता है। आप ये जवाब दें कि ये सुविधाएं सिविल अस्पताल में क्यों नहीं है, सर्जन क्यों नहीं है आपके पास यहाँ पर, आपके पास फार्मासिस्ट क्यों नहीं है, लैब टेक्नीशियन ज्यादा क्यों नहीं है, आपके अल्ट्रा एक्सेस करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति है आपके पास। एक मिनट जी, आप ही मुझे इसका सलूशन बताइए क्या हम नहीं करेंगे, सरकार करेगी सर। हाँ वो आप सरकार से पूछिए, हम तो जवाब मांग रहे हैं आपसे। देखिए हम हैं सर, हमारा काम सलूशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जो बता रहे हैं ना ये कंप्लेंट नहीं है, डिमांड्स है, डिमांड्स भी है, ये तो सरकार ने पूरी करनी है। देखो मैं तो नहीं कर सकता, मैं जो अभी अस्पताल का दर्जा क्यों दिया गया, मैं अभी आए हुए मुझे 2 महीने हुए हैं, मैं चीजों को, एक मिनट प्लीज, मैं अभी 2 महीने आए हुए हुए हैं, मुझे मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बेस्ट हो रहा है मेरे से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी, ठीक है नहीं। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरी काम में कहीं कमी है, कोई स्पीड में कमी है, या जो चीज़ों को मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा हुआ कि मैंने ये चीज़ें जो हैं अभी सुधार करनी है और मैं लगा हूँ उस चीज़ में, ठीक है ना। अभी लेकिन 2 महीने में एकदम से तो मैं समझ नहीं। सर अल्ट्रासाउंड की मशीन कब तक यहाँ चालू हो जाएगी, कब तक लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी, इसका टाइम दीजिए आप। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, क्यों सर आप बीएमओ हैं? नहीं नहीं, आपने बताएंगे कौन बताएगा? मेरी बात सुनिए, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट जो है तो ये हमारा काम है सर, रेडियोलॉजिस्ट आपको अरेंज करना है, सरकार को बोलिए उपलब्ध कराएं, बढ़कर की जनता वोट देकर प्रतिनिधियों को चुना है, आप उनको बोलिए। इसके लिए आप ऐसे ऐसे कीजिए, लिख के दीजिएगा मुझे कि ये डिमांड्स हैं जी, ये हॉस्पिटल में मेरा सिर्फ ये कमी है सर, अगर आप इससे डिमांड में ले रहे हैं आपको पता है कमी क्या है, आपके सामने समस्या है, आप खुद ही ये डिमांड है उसको डिमांड में आगे रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उस डिमांड को जो है सरकार के आगे रखूंगा, ये डिमांड है लोगों की। और आप प्लीज देखिए डीएमओ साहब, आप इस हॉस्पिटल के मेन मुखिया हो और आपको पता होना चाहिए सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें जरूरी है और कब तक वो प्रोवाइड होनी चाहिए, इसके लिए आप सरकार से जो आपके प्रतिनिधि हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। हम तकरीबन, मैं अपनी खुद की बात बोलता हूँ, 35 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने इस हॉस्पिटल को यहीं का यहीं देख रखा है, हर बार बोलते हैं सिविल हॉस्पिटल बन गया, सिविल हॉस्पिटल की क्या अहमियत होती है उसका मेरे को पता है जी, और यहाँ पे क्या सहूलियत मिलती है, हमें कुछ भी नहीं है। आपकी बात से मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बिजनेस को सही कह रहे हैं, हमारे से रिपोर्ट मांगी जाती है टाइम टाइम पर जी, आपके यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं, डॉक्टर कौन से लिए, यहाँ क्या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, आपको हम भेजते रहते हैं, भेजते हैं हम। नहीं लेकिन वो आपने भेजी वो अभी तक नहीं, उसके ऊपर सरकार क्यों सजीदा नहीं है, क्यों सरकार नहीं भेज रही है हमारे लोगों को, क्यों यहाँ पर इस तरह से मुर्ख बनाया जा रहा है सिविल अस्पताल के नाम पर। मेरे लिए आप गवर्नमेंट को मैं तो नहीं ना कुछ कह सकता, आप लोग मेरा काम है, आप लोग मेरा काम है, आपको क्या चाहिए। आपसे पहले भी जो बीएमओ यहाँ पर रहे हैं उनके सामने भी विरोध किया गया है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको शायद डर लगता है विरोध करने में, लेकिन आम आदमी पार्टी डरती नहीं है, आम आदमी पार्टी विरोध करना जानती है और अपना अधिकार लेना भी जानती है। और अगर आपने 15 दिन के अंदर यहाँ रेगुलर नहीं बुलाया, अगर आपकी सरकार नहीं भेजा, तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अस्पताल का घेराव करेंगे, और आपको अल्टीमेटम देके जा रहे हैं कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा चालू होनी चाहिए, हमारी जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हमारा अधिकार है, वो आपको देनी पड़ेगी। सर सिविल अस्पताल में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जो सर के बात का आंसर दे दो, यहाँ
यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है हमारे पास, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, रेडियोलॉजिस्ट जो है वो आते हैं हफ्ते में दो बार। हमें नहीं चाहिए सर, हमें रोज चाहिए। नहीं सर, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज है जो हम तीन महीने वेट नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात, आपके पास एक्सरे मशीन है, सॉरी अल्ट्रासाउंड मशीन है, जब सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया है तो आपके पास डॉक्टर क्यों नहीं, सिर्फ दो दिन के लिए क्यों? पिछले दस सालों से क्यों तो फिर रेडियोलॉजिस्ट क्यों नहीं आ सकते, लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट क्यों नहीं आ सकती, सर्जन क्यों नहीं आ सकते? हम बरसर की जनता के माध्यम से सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन आपके पास है, रेडियोलॉजिस्ट आपके पास नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। ये सरकार को अल्टीमेटम देकर जा रहे हैं क्योंकि बरसर की जनता के साथ धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी देखो बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें जो है ना, मैं तभी आपसे रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना, ठीक है ना। मैं तो देखो सरकारी नौकर हूँ, मेरा ये धर्म भी है और मेरे मुझे ये करनी भी चाहिए, कहीं कमी है उस सेवा में आप उसको बता सकते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, तभी मैंने बोला कि आप एक लिस्ट बनाइए, ये डिमांड्स हैं हमारी। मैं उसको जो है ना, क्योंकि फिर पता क्या है, लिस्ट वाले आपको पता होना चाहिए सर, क्या नहीं है हॉस्पिटल, बताइए आप, बताइए ना। तो 20-20 रुपए खून टेस्ट करके 20 रुपए मिल रहे हैं। मैं बोला मैं कुछ वहाँ और भूख बढ़ गई वहाँ मोदी है, ऐसा हुआ है। सिविल अस्पताल में कौन कौन से कटिया तो कोई अगर फ्री में होते हैं तो इनसे पैसे क्यों लिए जाते हैं? नहीं, इसके लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो टेस्ट नहीं होते थे पहले, अब क्या है कि इसमें लैब आ गई है। मेरे में मीटिंग लेके डॉक्टर सर, एक मिनट मैं बता देता हूँ, अभी हमारे यहाँ जो टेस्ट नहीं होते थे, अब वो जो है होने लगे हैं। कृष्णा लैब आ गई है, गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया सारा, हमारे यहाँ चालू, सुनो हमारे यहाँ चालू हो चुकी है वो। मैंने सुबह डॉक्टर्स की मीटिंग ली है, सभी मेडिकल ऑफिसर्स की, कि जो जो है हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होते हैं वो आप प्लीज कृष्णा लैब के लिए, ये ऊपर भी बनी हुई है, पेड पेड है सर, सब पैसे देने पड़ते हैं उसमें। हाँ नहीं, वो पैसे देने पड़ते हैं सर, गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में अगर पैसे देकर टेस्ट करने पड़े, बट सर अस्पताल प्रशासन गलत इलाज बंद करो। पाँच साल पहले मैं अपने हस्बैंड को लेके आई थी, हार्ट पेशेंट थे वो, तो भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हमें ऊना रेफर किया गया। 2 साल पहले मैं अपनी सिस्टर को लेके आई डिलीवरी के लिए, उनको भी हम मीरपुर रेफर किया गया। एक रिक्वेस्ट है, हमारे परिवारों के लोग मर रहे हैं सर, नाम पे नाटक कर रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आशा का इंटरव्यू चला हुआ है, अभी आशा की भर्ती चली हुई है सर, आशा की भर्ती इम्पोर्टेंट है, लेकिन पब्लिक की आवाज उठाना सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग एक्सीडेंट में आते हैं यहाँ पर, रेफर कर दिया जाता है, हमारे बच्चे कितने मर गए, मेरे परिवार के 2 आदमी मरे इस अस्पताल में, कुछ कह रहा 2 आदमी। एक मिनट प्लीज, देखो कल मैंने 3 घंटे तक यही बात से काउंसलिंग की है सर, आज हम आपसे सवाल करने आ रहे हैं। सिर्फ एक ही सवाल है, जब सिविल हॉस्पिटल है तो उसमें फैसिलिटी क्यों नहीं है? हमें ये चीज का जवाब दो, हमें कोशिश करूंगा। क्या मानते हैं सर, क्या मानते हैं कि सिविल अस्पताल की सुविधा यहाँ होनी चाहिए वो नहीं है? हाँ मुझे लगता है, क्या आपको लगता है कि सरकार का फैसिलिटी है? नहीं देखो मैं सरकार की कोई, तो किसकी फैसिलिटी है फिर, कौन जिम्मेवार है? सरकार जो बेस्ट है, धीरे धीरे काम धीरे ये 70 साल पुराना अस्पताल है सर, 70 साल यहाँ पर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर के लोग आते हैं, 50 किलोमीटर दूर के लोग यहाँ आते हैं। आज उन लोगों को उम्मीद है बड़सर अस्पताल में, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो उनको रेफर की पर्ची थमा दी जाती है।
और जब उनको रेफर की पर्ची दबाते हैं पीजीआई जाते रास्ते मर जाते हैं लोग, जिम्मेवार कौन है इसका जवाब दो। मेरी आप लोगों से यहाँ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग जो है एक हम नहीं लिखेंगे सर, हम नहीं लिखेंगे। एमओ साहब आप मैं लिख दूंगा, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। आपने कमिट किया, हमारे पास मशीनें भी है, स्टाफ भी है, उसके लिए आपने लिख के देना, लिखने दो, लिख के देना। हम कई बार लिख के दे चुके हैं, ये हमारी गलती नहीं है। उसके लिए आप सर आप खुद ही बोल रहे हम रिटर्न में देते हैं, आप उनसे भी रिटर्न में जवाब लो। क्या आप कहते हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार को लिख के दे चुके हैं आप? हमारे से ये रेगुलर मांगा जाता है, पसे हमीरपुर से जी एमओ साहब के द्वारा, कि क्या क्या कमी है, इंस्ट्रूमेंट्स की क्या क्या कमी है। सर तो आज पहली बार लिखा जा रहा है, और की कहां कमी है, क्या पहली बार लिखा गया है? इससे पहले भी लिखा गया होगा, इससे पहले भी पीएम हो रहे हैं, उन्होंने उनसे भी मांगा होगा, तो हमारे को क्यों नहीं मिला? वो कोई बात नहीं, वो क्यों नहीं मिला? हम लोगों को जवाब दे। आप बता दीजिए किसकी गलती है, गलती किसकी है? पब्लिक की है? नहीं, आप मानते हैं इसमें सरकार की गलती है? नहीं, मैं गवर्नमेंट को गलत नहीं, आप नहीं बोल रहे बात वही है कि यहाँ पे जो व्यवस्था पर दुराचार है वो क्यों है? सरकार की गलती नहीं है। प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना में वो इंटरव्यू रह जाएगा और वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। बारिश में भीग रहे हैं, जरूरी है हम बारिश में भीग रहे हैं, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। हमने क्या सवालों का जवाब नहीं देंगे तो धरना देंगे, धरना देंगे, धरना देंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बीएमओ साहब जवाब दिया मैंने भाग्य जन से, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। ये कहते हैं कि सरकार को लिख के देते हैं, बट सर में स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी, देनी होंगी, देनी होंगी। बट सर में स्वास्थ्य सुविधाएं देनी होंगी, देनी होंगी, देनी होंगी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। नारी सत्यम हाय हाय, सत्यम हाय हाय, बाय 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 बाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद आएगी, पार्टी आएगी। मैं मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद पहले करना चाहता हूं कि बारिश में भीगते हुए आप भी वही जिम्मेवारी निभा रहे हैं जो एक आम आदमी को आम लोगों जैसे निभानी चाहिए। और आम आदमी जब सड़कों पर उतरता है तो क्रांति होती है, और ये आम आदमी बारिश में जो भीगते हुए दिख रहे हैं आपको, ये स्तंभ हैं, ये पिलर हैं। आम आदमी पार्टी जवाब मांग रही है, आज बीएमओ साहब के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये लोग फेल हो चुके हैं। इनके बाद बड़े बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मट्टी में आप रैली कर रहे हैं, एक एक लाख एक लाख युवाओं को बुलाकर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो इस अस्पतालों में मशीनें लगाने के लिए और डॉक्टर भेजने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। आज जयराम ठाकुर रैलियों में चुनाव की लोगों को रुझाने के लिए खड़े हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में, बिजली अस्पताल में, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में आज लोग मर रहे हैं। सड़क में खड़े हुए लोग बारिश में पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए हमें सुविधा क्यों नहीं दे रहे आप? हमारा गुनाह क्या है, क्यों हम लोगों को सुविधा नहीं दे रहे आप? क्यों हमारे को? अगला स्टेप क्या है आम आदमी पार्टी का, अगर आप यहाँ पर इस रैली की आज बात करें और धरना? देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक सांकेतिक रैली किया था, एक इमीडिएट प्लान किया था ये। अब आम आदमी पार्टी आज नोटिस देके जा रही है, जैसे कि मैंने बीएमओ साहब को ही बता दिया, अगले 15 दिनों के अंदर, आज तारीख होगी 24 सितंबर, अगर हमारे अगले 15 दिनों में यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं अपॉइंट हुए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी धरना देगी और यहाँ पर अनशन पे बैठेंगे लोग। और बड़सर की जनता से भी आह्वान है कि एक बार इन जो ये लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जो आज अस्पतालों के नाम पर ठग रहे हैं, उन लोगों को भी आह्वान करते हैं कि वो लोग आए और आम आदमी पार्टी का भले समर्थन आप करें ना करें, लेकिन जनता के होने के नाते समर्थन करें, और नहीं तो आपके बच्चे, आपके परिवार इन अस्पतालों में मारे जाएंगे। जिन बच्चों का एक्सीडेंट होता है उनके माँ बाप से पूछिए, जब उनके बच्चे यहाँ तड़पते हुए मर जाते हैं। मेरे परिवार के दो आदमी खोए हैं इस अस्पताल में, दर्द इसको जिसने खोया उसको होगा। इसलिए आज अल्टीमेटम दे रहे हैं बीएमओ साहब, आज अपनी बात के बिना भाग गए। उनका ये कहना है कि हम सरकार को लिख के भेजते हैं कि यहाँ सुविधाएं दो, लेकिन सरकार देती नहीं है।
वो सरकार के एम्प्लॉई है, इसलिए सरकार के बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो इनका रोटी पानी बंद कर देंगे, वो इनको ट्रांसफर कर देंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना गुनाह है। लेकिन आम आदमी पार्टी डरती नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये लोग जो बारिश में भीग रहे हैं, ये कमजोर लोगों में नहीं है, ये राजनेता नहीं है, ये वो लोग हैं जो सड़क पर आंदोलन करके जनता के हक के लिए लड़ते हुए आए हैं। और आज उसी आंदोलन की मैं आह्वान करते हुए यहाँ पर बोलता हूँ, अगले 15 दिन का समय बड़सर स्थल को, साथियों क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम घेराव करेंगे और सड़क भी जाम करेंगे। ये अल्टीमेटम दे दिया आज जिला प्रशासन, सीएमओ साहब, डीसी महोदय, एसडीएम महोदय और बीएमओ महोदय, सबके लिए हमारा अल्टीमेटम है, जाग जाओ नहीं तो क्रांति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रैली को हम यहाँ पर अल्टीमेटम देकर समाप्त कर रहे हैं, और 15 दिन के बाद अगर हमारी मांगों को, पब्लिक की मांगों को नहीं माना गया, कम से कम रेडियोलॉजिस्ट तो यहाँ बैठना चाहिए अगले 15 दिन के अंदर, क्योंकि मशीन यहाँ पड़ी हुई है। अभी डॉक्टर साहब कल कह रहे थे, बीएमओ साहब, हमारे पास एक एनालाइजर है, वो 15 साल पुराना हो गया है, 10-12 साल पुराना, वो खराब हो गया है। तो हमने कहते मीटिंग की है कि बड़सर की जनता बड़ी दयालु है, वो दान दे देगी। अरे लाना था आप लोगों पे, डॉक्टर साहब ने एक बात और लाना था आप लोगों पे, दान दे देंगे। अरे करोड़ों रुपए रैलियों पे आप खर्च कर रहे हो, 2 महीने हो गए क्या? डॉक्टर साहब से मैं पूछता हूँ, आपने 2 महीने में पेमेंट नहीं ली, वो सरकार को अल्टीमेट वो दे लिख करके, डॉक्टर साहब का काम है, हमारा काम नहीं है। हम जनता है, हमने जवाब पूछना है, हमें इलाज चाहिए हॉस्पिटलों में, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने 2 महीने की पेमेंट नहीं ली है, तब वो हमारे को बताएं कि मैं 2 महीने में अपने हॉस्पिटल की कंडीशन का नहीं दे सकता हूँ। बीएमओ साहब है, बड़े अफसर हैं, उनका काम है, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपनी मांगें पूरी करना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप यहाँ तक आए, और एक बार जोर से लगाओ आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बड़सर स्थल प्रशासन हाय 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 हाय, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। तो जैसा कि अभी हमने देखा आम आदमी पार्टी दिन के भीतर यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की जो व्यवस्था है वो की जाए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ प्रदेश सरकार की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो फेलटी है प्रदेश सरकार की, क्योंकि यहाँ पे जो अगर अस्पताल की रिपोर्ट अगर हर महीने अगर एक साल में जाती भी है, तो क्या प्रदेश सरकार ने कभी इसके ऊपर ध्यान ही दिया कि जो यहाँ पे व्यवस्था है, जो डिमांड रखी गई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, उनको पूरा किया जाए? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं पूरा की गए? तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है, चाहे भाजपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, ये जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से भी इसको लेकर अभी तक आज दिन तक कोई प्रयास ही नहीं किया, ताकि हमारे की बड़सर की जो जनता है, जो जिनको यहाँ के जो व्यवस्था है, जो जिन व्यवस्थाओं का अभाव हो रहा है, उसकी व्यवस्थाओं को दूर किया जाए, ताकि वो जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि है, लेकिन उनकी तरफ से अभी इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दी गई। क्योंकि अगर भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की बात की जाए, या कांग्रेस के विधायक इंद्र लखनपाल की बात की जाए, जो वर्तमान में है, अगर हर साल में यहाँ से रिपोर्ट जाती है, अस्पताल प्रशासन की तरफ से जाती है, तो उनकी तरफ से जो डिमांड रखी जाती है, वो अभी तक वो प्रदेश सरकार क्यों नहीं पूरी कर पाई? जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो भाजपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, उन्होंने क्यों इसके लिए प्रयास किए गए ताकि ये जो डिमांड है जो पूरी की जाए? क्या उनको अपनी रैलियों के लिए ही जो डिमांड होती है वो रैलियों में दिखाई देती है कि हमारे सरकार को ये चाहिए, हमें ये चाहिए, यात्रा भत्ते चाहिए, बिल भत्ते चाहिए, उसके लिए रैली निकालती है, उसकी तरफ इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है आज, जो जिस बात को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे धरना दिया, वो जायज भी है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात ना करूँ, जनता की बात की जाए, बड़सर की, तो उनको ये मूलभूत सुविधा चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति अस्पताल में आता है तो वो इसीलिए आता है स्वस्थ होने के लिए, ना कि अपने साथ बीमारी लेके जाने के लिए। अगर इस तरह की व्यवस्थाएँ अगर किसी सिविल अस्पताल में हो रही हैं, तो ये व्यवस्थाएँ जो हैं इनके ऊपर जो है सरकार को गहनता से सोच विचार करना चाहिए। तो जीवनोत्साह न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगी है तो इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।